हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपको खुशामदीद है। ड्रामा सीरियल हुमार में रायान ने फायज को 35 लाख रुपए देकर उसको बिजनेस डील के अंदर शामिल कर लिया है। फायज को इस सब बात का पता ही नहीं है, लेकिन रायान ने उसको अपने बिजनेस के लिए मजबूर किया है कि वो उसका साथ दे, उसका हाथ बटाए। ये सारी बातें वो अपनी बेगम को समझा रहा होगा कि उसने किस तरीके से और किस शर्त पर फायज को ऑफिस में काम के लिए बुलाया है। उसकी बेगम कहेगी कि आपके भाई की चॉइस में और आपकी चॉइस में जमीन आसमान का फर्क है। वो कहेगा कि मैं शेख फुरकान का बेटा कोई ऐसा काम ही नहीं करता जिसमें लॉस हो। तो उसकी बेगम कहती है कि फायज भी तो उनका ही बेटा है, तुम्हारा भाई है। अब रायान कहता है कि वो तो बेवकूफ है, उसको फलाई इदारा बनाने का शौक है, उसको पता नहीं है कि पैसे को पैसा ही खींचता है और वो पैसे लुटाने पर तुला हुआ है। जब वो कंगाल हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तब उसको सारी बातों की समझ आएगी और हरीम भी उससे दूर हो जाएगी जिसने उससे पैसे के लालच में आकर शादी की थी। तो उसकी बेगम कहती है कि आप तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं। तब वो कहता है कि मैं तुमसे कोई भी काम करने का कभी भी नहीं कहूंगा। तो वो कहती है आप कह भी नहीं सकते, इस घर में किसी किस्म की प्राइवेसी ही नहीं है। मैं जहाँ से आई थी वहाँ पर कोई किसी की बातों में इंटरफेयर नहीं करता, वहाँ पर एक अलग ही प्राइवेसी है, हर कोई अपना काम कर रहा होता है। वो एक बहुत ही अच्छी जगह थी। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल हुमार। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।